हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के मिल के हूँ क्रिसमस व्लॉग जो हमने इस बार घर पे सेलिब्रेट किया। ये देखिए हमारा ऊपर अर्नव रेडी होके आ गया है सेंटा क्लॉज बन के, और वो क्रिशु को गिफ्ट देने आया है। क्रिशु इज सो हैप्पी। अब उसके बाद ये देखिए हम क्रिसमस ट्री को रेडी कर रहे हैं। क्रिसमस ट्री पूरा ओपन कर लिया है, ये क्लोज आता है। उसके बाद अब पूरा ओपन करके अब ये देखिए डेकोरेशन का, क्रिसमस डेकोरेशन का सामान है ये सारा। उसके बाद देखिए इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं, बोल्स हैं, सेंटा क्लॉज हैं, गिफ्ट्स हैं, और ड्रम हैं, बेल्स हैं, स्टार्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डेकोरेट करेंगे इस ट्री के ऊपर। यही सारा जो क्रिसमस डेकोरेशन का सामान है वो हमने शूट में भी यूज़ किया था क्रिशु के। मैंने मेरे बेटे का शूट है जो, उसमें भी यही सामान यूज़ किया था। ये फ्रिल मैंने इसमें, ये देखिए क्रीम कलर के जो स्टोन वाली माला है वो भी यूज़ करी है मैंने। अगर अभी तक आपने क्रिसमस का शूट नहीं देखा है बेबी का, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बेबी के क्रिसमस शूट में भी यही सारा सामान यूज़ किया था हमने। बहुत अच्छा शूट होता है ये। अब ये देखिए मैं आपको घुमा के दिखा रही हूँ, सारा क्रिसमस ट्री रेडी हो चुका है। अब ये देखिए जो क्रीम कलर की स्टोन की जो ये माला है वो मैंने टॉप पे यूज़ की है, उसको रोटेट करके थोड़ी सी अच्छी लुक देने के लिए। तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। मुझे अच्छा लगता है क्रिसमस पे क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना, थोड़ी सी अच्छी वाइब्स आती है इससे। और ये देखिए पूरा मैं रोटेट करके दिखा रही हूँ, इसमें ये सब चीज़ें गिफ्ट्स भी, छोटे छोटे गिफ्ट्स भी लगाए हैं। देखिए अपने स्टोन को शो करने के लिए थोड़ी सी कॉटन यूज़ करी मिडल में, और बीच में हल्के की जगह में थोड़ी थोड़ी कॉटन रखूँगी ताकि स्टोन कोल को शो करें। अब मैं पूरी टेबल को डेकोरेट करूँगी फ्रिल से, और उसके बाद हम गिफ्ट्स वगैरह रखेंगे सारे बच्चों के, जो हम गिफ्ट्स लेके आए हैं सारे जो हमारे घर के सेंटा क्लॉज हैं उनके लिए।
हमने गिफ्ट्स रख दिए हैं सारे बच्चों के, और उस ट्री को थोड़ा सा हाइटेड करने के लिए हम मैंने बीच में नीचे एक गिफ्ट रैप यूज़ किया है ताकि ट्री की थोड़ी हाइट बढ़ जाए। तो हम इसको भी डेकोरेट करेंगे अच्छे से। और ये देखिए अब हमने प्लेस कर दिया है, देखिए पूरी टेबल का सेटअप रेडी है हमारा। अब ये देखिए मैंने सेंटा क्लॉज का पोस्टर भी लगा दिया है हर ट्री के पास ही, जो बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। अब ये देखिए मैंने जो ग्रीन कलर का बॉक्स था वो भी थोड़ा डेकोरेट कर दिया, उस पर भी थोड़ा क्रिसमस ट्री का सामान रख दिया। मेरे हस्बैंड और मैं लाइट्स लगा रहे हैं क्रिसमस ट्री के ऊपर, लाइट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनल लुक देने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि ये सारा पूरा सेटअप कैसा लग रहा था देखने में। बच्चों की बुई ने भी गिफ्ट रख दिए हैं देखिए, और लाइट्स वगैरह लग चुके हैं, हमने थोड़े से बलून्स भी लगाए हैं थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए। अब ये देखिए लाइट्स भी हमारी डन हो चुकी हैं बिल्कुल। आप सेटअप देखिए पूरा कितना प्यारा लग रहा है ये, बिल्कुल लाइट्स में बहुत अच्छी फील दे रहा है क्रिसमस वाली। ये देखिए फिशू सो गया था और ये देखिए उठ के आया तो इतना खुश हो रहा है, ये कह रहा है क्लैपिंग कर रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है उसको भी लाइट्स वगैरह देख के, क्रिसमस ट्री वगैरह देख के। अब मैं क्रिशु को ले आई हूँ रेडी करने के लिए, अब क्रिशु सेंटा क्लॉज बनेगा और सबको गिफ्ट्स देगा। तो अब ये इसको पूरी ड्रेस पहनाई जा रही है ये। देखिए सेंटा क्लॉज हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए कैप पहनने में बड़ा रो रहा है क्रिशु कि मुझे कैप नहीं पहननी। ये देखिए छोटे छोटे सेंटा हैं, गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं सब। ये देखिए क्रिशु गिफ्ट ले रहा है अपने बड़े भाई से और अब ये देगा भी भाई को। ये हमारे सेंटा हैं जो हमारे लिए चॉकलेट स्टिक्स लाए हैं सबके लिए, बड़ों के लिए। अभी देखिए सेंटा को गिफ्ट मिल चुका है उसका अर्नब को। ये रिशु है सेंटा क्लॉज बन के हमसे गिफ्ट ले रहा है, अब मम्मी पापा गिफ्ट दे रहे हैं। देखिए बच्चे कितने खुश हैं गिफ्ट लेने के बाद। बुई से भी गिफ्ट मिल गया बच्चों को, ये देखिए। सांता क्लॉज जो गिफ्ट ओपन कर रहे हैं और बहुत एक्साइटमेंट से गिफ्ट ओपन किए जा रहे हैं, ये देखिए अभी अपने गिफ्ट दिखाएंगे दोनों। देखिए ये स्पाइडरमैन दिखा रहा है हमें, ये वॉच स्पाइडरमैन दिख रहा है। और अब देखिए आगे हम किशु की तरफ से उसकी बुई को भी प्रेजेंट मिला। फोटो ले रहा हूँ, रुक जाओ।
ये देखिए अब सबसे छोटा सेंटा आ चुका है हमारे घर का, ये भी गिफ्ट एक्सचेंज और लेने और देने आया है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चे सेंटा क्लॉज की ड्रेस में। ये हैंडमेड हमने केक बनाया है, ओरियो बिस्किट्स केक। ये बहुत टेस्टी बनता है, हम हमेशा इसको बनाते हैं, बहुत इजी भी है बनाना। और ये देखिए पिज़्ज़ा की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, पिज़्ज़ा पे पूरे स्प्रेड कर दी गई है सारी वेजिटेबल्स वगैरह। और अब हम इसको बेक करेंगे तंदूर के अंदर। फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम तंदूर का, बट इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छे पिज़्ज़ाज बने थे, ये देखिए। ये देखिए घर पे हमने पनीर टिक्का वगैरह भी बनाया था, मैंने इसकी प्लेटिंग शेयर करी है आपको। ये देखिए हम सारे क्रिशु के सारे गिफ्ट्स ओपन कर रहे हैं कि उसको क्या क्या मिला है। ये देखिए ही इज़ वेरी एक्साइटेड, ये देखिए खड़ा है वो आराम से कि मेरे गिफ्ट्स खुल रहे हैं। ये देखिए वाओ, अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं बच्चों को। ये देखिए डॉगी, ये देखिए उसने चलाना भी स्टार्ट कर दिया है, ये देखिए कितना एंजॉय कर रहा है वो। ये देखिए एक ट्रेन और मिल गई है उसको, उसके बाद एक गिफ्ट और पेंडिंग है, 4 गिफ्ट्स मिले हैं नन्नू को। देखिए ड्रम से खेलना भी स्टार्ट कर दिया है उसने। क्रिशु को सारे लाइट्स वाले खिलौने मिले हैं क्योंकि उसको लाइट्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो देखिए ही इज़ लविंग इट। अब फाइनली हम केक कटिंग करेंगे, हमारे जो लिटिल सैंटा हैं वो केक कट कर रहे हैं क्रिसमस का। ये देखिए जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा आवेगा, नीचे तो रखो एक बार और काटो, काटते वक्त इसकी नन्हे। जिंगल बेलवा जिंगल बेल जिंगल बेलवा। भाई नन्नू तो एंजॉय कर रहा है। ये देखिए सेंटा क्लॉज को गिफ्ट्स में मिल चुके हैं सारे फैमिली। और ये देखिए अब सेंटा क्लॉज का थोड़ा सा शूट किया जा रहा है, घर का थोड़ा सा शूट कर रहे हैं, कैप पहनाने की पूरी कोशिश की जा रही है बट पहन नहीं रहा है ये बिल्कुल। और ये देखिए मैं कुछ फोटोज शेयर कर रही हूँ, हमारी फैमिली फोटोज जो हमने क्रिसमस पे ली थी। थैंक यू सो मच, इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share with your dear one and enjoy. Thank you so much. Bye bye.